वेलकम बैक टू कपूर्स किचन। गणपति घर पे आए हुए हैं और उनके लिए अलग अलग तरह के मोदक बना के उन्हें इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं, रिझाने की कोशिश करते हैं। चलिए बनाते हैं ओरियो बिस्किट्स के मोदक। मैंने दो पैकेट छोटे वाले ओरियो बिस्किट लिए हैं, क्योंकि प्रसाद डेली बनता है तो इसलिए कम क्वान्टिटी में ही बना रही हूँ। आप चाहें तो ज़्यादा भी बना सकते हैं। इसको खोल के बिस्किट को उसमें से क्रीम अलग कर लेंगे और बिस्किट अलग कर लेंगे। इस तरह से नाइफ से बहुत इजीली हो जाता है, बहुत सॉफ्ट होती है क्रीम। और फिर जो बिस्किट क्रीम के बिना हैं उन्हें तोड़ के एक बाउल में डालेंगे और मिक्सी में डाल के उन्हें ग्राइंड कर लेंगे। ये एक पाउडर बन जाएगा। ये देखिए पाउडर बन गया, इसे एक बाउल में निकाल लेंगे और इसमें एक चम्मच दूध डलेगा। एक चम्मच दूध डल के इसे एक डो बन जाएगा। आधा चम्मच मैंने पहले डाला है और आधा चम्मच अब मैंने बाद में डाला है। अब इससे ये डो रेडी होएगा। ये देखिए इसे मिलाते हुए ये डो बनने लग गया और ये डो बन के तैयार हो गया। इसे हम एक तरफ रखेंगे। अब हम स्टफिंग की तैयारी करते हैं। मैंने 5-7 बादाम लिए हैं और उन्हें क्रश कर लिया है, और जो बिस्किट से क्रीम निकली थी वो लेके उसी के अंदर डाल दी है, और एक चम्मच डेजिकेटेड कोकोनट यानी कि नारियल का बूरा डाल के उसे अच्छे से मिक्स कर लिया है, और बिल्कुल आधी चम्मच से भी कम दूध इसमें लगा है। बना के मैंने स्टफिंग बना रेडी कर ली है। अब ये जो डो मैंने रेडी किया था उसको मैं मोल्ड के अंदर लगाऊंगी। मोल्ड को मैंने पहले से ग्रीस कर लिया है और फिंगर से चारों तरफ प्रेस करूँगी ताकि इसकी वॉल्स पे अच्छे से जो बैटर है वो चिपक जाए और बीच में सारी जगह खाली हो गई। अब जो स्टफिंग बनाई है वो बीच में डाल के और ऊपर से डो से ही इसको बंद कर देंगे और इसको खोल के देखेंगे। ये देखिए हमारा मोदक तैयार है, चॉकलेट मोदक। और ऐसे ही हम सारे मोदक तैयार कर लेंगे। इतनी बैटर से जो इतनी स्टफिंग हमने रेडी करी है और ये डो है, इससे हमारे ऐसे 4 मोदक रेडी हो जाएंगे, यानी कि एक समय का भोग रेडी हो गया है। आप इसे बनाएं और गणपति को भोग दें।